हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड ऑफ इंजीनियरिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ। फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर वीरेन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम मार्गी भूखंड का मानचित्र। हम इससे पहले 4 वीडियो देख चुके हैं। हमारी ये वास्तुशास्त्र की सीरीज जो है उसका ये 5th नंबर का वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे पश्चिम में अगर हमारा मार्ग जा रहा है और उस मार्ग का भूखंड है हमारा तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे पुराने तो वो देख सकते हैं आप। सभी अलग अलग साइज के हिसाब से बहुत सारी बेसिक्स मैंने बताया हूँ। ये जनरल तौर पर हमारा पश्चिम में रोड गई हुई है, अब हमारा घर है तो हम इसको किस तरह से मॉडल तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो है वो सीरीज आएगी वो इंजीनियरिंग हिसाब से इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हुए आएगी, तो वो सीरीज भी आप बिल्कुल देखें। अब यहाँ से हमारा मेन गेट आ गया पश्चिम से। अब मुख्य द्वार जो है हमारा यहाँ पर रखना है हमें, यानी कि उत्तर और पश्चिम के बीच में। अब बीच में हमारा एक हम गेट रख सकते हैं। अब सेप्टिक टैंक रहेगा फ्रेंड्स हमारा उत्तर और पश्चिम के बीच में रहेगा इस कॉर्नर पर। अब इसके बाद हम यहाँ से प्रवेश यानी कि हमारी एंट्री होती तो जस्ट सामने हमारा एक बेडरूम हो जाएगा पश्चिम और उत्तर के बीच में। वहाँ से आगे बढ़ते हैं हम तो हमारा टॉयलेट्स आ जाएगा। ये हमारा टॉयलेट पश्चिम दक्षिण के बीच में आ जाएगा और उसी के साइड में हमारा एक आ जाएगा बेडरूम। अब वहां से आगे बढ़ते हैं तो हमारा ये हॉल टाइप हो जाएगा और अगर कोई हमारे यहाँ गेस्ट आए तो उसके लिए स्वागत कक्ष वगैरह हम शयन कक्ष के पीछे रख सकते हैं उत्तर दिशा में। अब फ्रेंड्स, वहां से हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमारा स्टडी का आ जाएगा उत्तर और पूर्व के बीच में। वहां से साइड में हमारा आ जाएगा स्नान घर जो है हमारा उसके जस्ट साइड में हमें रसोई घर दे सकते हैं जो दक्षिण और पूर्व के बीच में रहेगा और वहां से हमारी स्टेयर भी जाएगी। अब फ्रेंड्स, इसके बाद जैसे कि हम देखते हैं तो पानी की टंकी वगैरह के लिए सेप्टिक टैंक में बता चुका हूं आपका कि पश्चिम और उत्तर के बीच में रहेगा। जो आपका कुआं या बोरवेल्स वगैरह जो है तो पूर्व और उत्तर के बीचों बीच आएगा आपका। जहां पर भी मतलब जो मार्क है उससे अगर थोड़ा बहुत आजू बाजू भी आपका होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद जो दक्षिण और पश्चिम के बीच में रहेगा ये पानी की टंकी आ जाएगी आपकी इस पोर्शन पर और इस हिसाब से आप एक मॉडल तैयार कर सकते हैं अगर आपका पश्चिम मार्गी भूखंड है तो। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।